नमस्कार, आज हम मिलेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से। गुजरात की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री है जो महिला सशक्तिकरण के बारे में काफी कुछ मायने रखते हैं उनके लिए। उतना ही नहीं, खास तौर पे अगर देखा जाए तो उनका एक साल अभी हो रहा है, तो एक साल की उपलब्धियां क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आनंदीबेन जी, ये बताइए कि एक साल के अंदर खास तौर पर क्या आपकी उपलब्धियाँ रही हैं? वैसे तो मैं गुजरात गवर्नमेंट में पिछले 18 साल से हूँ और विविध विभागों में काम करने का मेरा पूरा अनुभव रहा है। एक साल से मुझे ये दायित्व दिया गया है। सबसे पहले मैंने सोशल सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया, इसमें महिला सशक्तिकरण हो, पानी की बाबत हो, आरोग्य क्षेत्र में काम शुरू किया और एजुकेशन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, ऐसे 5 विषय चुनकर हम लोगों ने काम की शुरुआत की। ऐसा नहीं है आगे से वो ही रफ्तार चली आती थी, इसमें थोड़ा सा और जोर दिया। जैसे कि टॉयलेट बनाना, वो तो काम चलता ही रहता था, लेकिन हम लोगों ने लक्ष्यांक निर्धार किया, मॉनिटरिंग का काम किया। इसी वजह से आज एक ही साल में 6 लाख से ज़्यादा हम टॉयलेट बना सके हैं और अभी 3 लाख से ज़्यादा रनिंग में है। तो हम लोगों ने तय किया कि अगले 3 साल में वो काम हम पूरा कर देंगे। वैसे एक पूरे देश में वो कठिनाई है माल न्यूट्रिशन की, हम लोगों ने ये तय किया है कि गुजरात को कुपोषण मुक्त गुजरात बनाना, इसीलिए अभी हम बच्चों की स्क्रूटनी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट, उसके जो वेट है, उसके आधार पर उसको रेड जोन में या येलो जोन में और ग्रीन जोन में डाला जाता है। वैसे मैं एक एग्जाम्पल देती रहती हूँ कि एक ट्राइबल का बच्चा है 7 साल का मान लो, और एक हमारे जैसे परिवार का एक 7 साल का बच्चा है, दोनों को इकट्ठा होकर आप दौड़ाएंगे तो हर लोग वो ही जवाब देते हैं कि ट्राइबल का बच्चा आगे जाएगा। लेकिन ट्राइबल का बच्चा की हाइट देखो तो कम होगी, उसका वेट देखो तो कम होगा, लेकिन वो सशक्त है। फिर भी हम हाइट और वेट के कारण से उसको हम रेड जोन में डाल देते हैं या येलो जोन में डाल देते हैं। इसीलिए हम लोगों ने बैठ कर सोचा कि क्या करना चाहिए। इसमें हम लोगों ने एक जोड़ दिया कि उसके मसल्स की पावर कितना है, ताकत कितनी है, वो भी इसमें डालना चाहिए। इसलिए आज स्क्रूटनी हो रही है और इस स्क्रूटनी के आधार पर हम कितने बच्चे येलो जोन में आए, कितने बच्चे रेड जोन में हैं, रेड जोन में भी कितने अति कुपोषित बच्चे हैं उसको हम निकाल रहे हैं, और ऐसे बच्चों को अलग से भोजन दिया जाए, उसको अलग से ट्रीटमेंट मिले और अलग से हॉस्पिटल में उसके लिए दवाई और अच्छे डॉक्टर का प्रावधान किया जाए, वो हम शुरू कर दिया है। हम लोगों ने पिछले 6 महीने से वो काम हम लोगों ने वडोदरा डिस्ट्रिक्ट और छोटा उदयपुर में किया था और अच्छा रिजल्ट आया है इसका। इसलिए मैंने सोचा कि पूरे राज्य में वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, तो हम लोगों ने वो शुरू किया। तीसरा है, हम लोगों ने एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया ही पहले से। एक चेंज मैंने ये किया कि अभी जो हम कन्या शिक्षा यात्रा में जा रहे हैं तो वहाँ हम लोगों ने लास्ट स्केल पर जो स्कूल आई है वहाँ जाने का हम लोगों ने तय किया है, और वहाँ 1 महीने से हम लोगों ने वो स्कूल को बता दिया है कि हम लोग जून में 11 तारीख को आ रहे हैं, तो आप वो स्कूल में इतने इतनी खामी है, वो खामी को आप दूर करो ये 1 महीने में, वो हम लोगों ने किया है। दूसरा, 4 नई कॉलेज बनाई, नई यूनिवर्सिटी बनाई, एक लोगों ने जूनागढ़ में दी, एक ट्राइबल विस्तार दाहोद गोधरा में दिया, एक पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी बनाई। हम चाहे कितनी हॉस्पिटल खोले, चाहे कितनी नई नई मेडिकल कॉलेज दें, लेकिन जब तक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप कॉलेज मेडिकल कॉलेज खोलते रहो, हॉस्पिटल देते रहो, लेकिन पब्लिक को भी ये अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। इसलिए पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी की शुरुआत हम लोगों ने की है और किडनी ट्रांसप्लांट यूनिवर्सिटी बनाई है जो देश भर में पहली यूनिवर्सिटी है। ऐसे वो काम किया है और 11 नई कॉलेजेस जहाँ हम लोगों ने तय किया है कि हर एक तालुका प्लेस पर एक कॉलेज होनी चाहिए, तो हम लोगों ने निकाला तो 20-22 तालुका ऐसा है कि जहाँ कॉलेज नहीं है, तो इस साल 11 कॉलेज हम लोगों ने दी और 11 कॉलेज अभी जून से वो शुरू हो जाएगी। ऐसे नए नए क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान भी किया, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम शुरू किया है। और हेल्थ के बारे में मैं पिछली आप सबको पता है, लेकिन आज से पूरे गुजरात में
एक काम शुरू किया है, डायबिटीज टेस्ट। सबको पता है डायबिटीज के क्या क्या होता है, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको डायबिटीज है। इसीलिए डायरेक्ट किडनी, लंग्स, आँख सब पर उसकी इफेक्ट होती है। हम लोगों ने फ्री में हेल्थ चेकअप के लिए आज से वो काम पूरे PSCSC सेंटर पर और जिला डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर पर काम शुरू किया है। फ्री में वो टेस्ट चलने वाला है। दूसरा, थोड़े समय के बाद हम महिलाओं के लिए जो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट भी करने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी मात्रा में वो हो रहा है लेकिन पता ही नहीं चलता है महिलाओं को कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हुई है, तो वो एक काम करने जा रहे हैं। तीसरा है कि मैं तो शिक्षा क्षेत्र में पिछले 40 साल से काम कर रही हूँ। कई बच्चों को देखा है कि उसके जो दांत है वो खराब है, पीले पड़ गए हैं, या इसमें सड़ा हो गया है, या जो डबल लाइन होती है इसमें, और कई कई तो आगे दांत आ जाते हैं तो उसका जो होठ है बंद नहीं होता है, तो मुँह से वो श्वास वगैरह लेता है तो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता है, रात को भी उसका फेस खुला ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं हमारे, तो अभी जो शाला आरोग्य कार्यक्रम होगा वो शाला आरोग्य कार्यक्रम में इसको हम लोगों ने डाल रहे हैं। उसका टीथ का भी ऑपरेशन राज्य सरकार फ्री में करेगी। और ये भी हमारे ध्यान में आया है और सबको भी पता है, लेकिन इसकी ओर हमारी सरकार की मेरी भी कोई ध्यान नहीं गया था। हम देखते थे लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए वो हम नहीं सोचते थे। हम लोगों ने इसमें इस साल वो भी हम लोगों ने तय किया है कि जो बच्चे जो टूटे हुए होठ से जन्म लेते हैं या उसका नोज भी नहीं होता है, कभी कभी दोनों जॉइंट में हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको भी कोई सर्जरी करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक NGO के साथ टाइप किया है और इस साल ऐसे 5,000 बच्चों का ट्रीटमेंट करने का प्लान हम लोगों ने किया है। पिछले एक साल में तो काफ़ी काम किया है, कई नई मेडिकल कॉलेजों भी शुरू हुई, 300 से ज़्यादा सीटें हमारी बढ़ी, और वडनगर में और वहाँ हिम्मतनगर और जूनागढ़, इसमें तो मेडिकल कॉलेज इस साल नई शुरू हो जाएगी। ऐसे कई काम इसमें क्षेत्र में तो किए, लेकिन अगले साल के लिए हम लोगों ने वो प्रावधान शुरू किया है। बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करेंगे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र के अंदर काफ़ी काम हुआ है, उसके बाद रोजगार भी बढ़े, उसके लिए भी क्या काम किया है, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पसीना तो आएगा भाई, क्या करें हम। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आनंदीबेन पटेल के साथ, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री के साथ कुछ ही दिनों पहले चीन की यात्रा पे गए थे, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि चीन की यात्रा कितनी सफल रही। ये बताइए कि चीन की जो यात्रा थी आपने प्रधानमंत्री के साथ की, वो कितनी सफल रही, गुजरात में कितना निवेश आने की संभावना आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा एक दिन का कार्यक्रम साथ में था, और बाकी का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का अलग था और मेरा कार्यक्रम अलग था। अलग इसलिए बनाया था कि जो चीन के प्रेसिडेंट गुजरात में आए थे उसी समय हम लोगों ने एक स्टेट के साथ, ग्वांगडांग के साथ राज्य सरकार ने MOU साइन किया था, और ग्वांगजू के साथ, अहमदाबाद शहर के साथ MOU साइन हुआ था, और इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक MOU साइन हुआ था। इसलिए मेरा दौरा अलग से तय किया गया था, लेकिन मैं और मेरा डेलीगेशन जहाँ भी गए हम, वहाँ काफ़ी उत्साह था, और इतने प्रश्न हम लोगों को इसीलिए पूछते थे कि उसकी इसमें उत्साह था कि हमें सही अर्थ में गुजरात में मूड़ी रोकाण करने के लिए आना है। गुजरात के बारे में सब कुछ वे लोग जानते थे, 24 कलाक बिजली मिलती है, अच्छा रोड रास्ता है, पोर्ट अच्छा है, पब्लिक अच्छी है, और जो किसान है वो भी प्रोएक्टिव किसान है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, ये सब हम सबको हम लोगों को बताते थे। कैस्मे करके एक वहाँ की, जिस तरह हमारी यहाँ व्यापारी महामंडल वैसे होता है, बस वह कैस्मे है, तो उनके साथ हमारा 12 MOU साइन हुआ, और काफ़ी मात्रा में वो उत्साही है। इसमें खास करके वे लोग इंडस्ट्रीज में, स्किल डेवलपमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी में, और टेक्नोलॉजी में, और जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के 7 शहर का नाम दिया है और पूरे देश का 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, इसमें काफ़ी उत्साह वे लोगों का था।
तो हम लोगों ने भी निमंत्रित किया है कि आप आइए और इसमें हमें सहयोग कीजिए। तो काफ़ी उत्साह वहाँ रहा था भी लोगों का, हांगकांग में भी काफ़ी उत्साह था और वहाँ भी 4 MOU साइन हुए थे, वहाँ गुजरातियों भी थे और गुजरात के लोग वहाँ डायमंड में काफ़ी काम अच्छा कर रहे हैं। और वैसे मैं कहूँ तो गुजरात का दबदबा है हांगकांग में, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबकी इच्छा है कि गुजरात को कुछ न कुछ तरीके से हमें सहाय करना चाहिए और दूसरा वहाँ जाकर मुड़ी रोकाण करें और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, और जो नरेंद्र भाई का नारा है मेक इन इंडिया, इसमें वो सहयोगी बनना चाहता है। मैंने 2-3 बाबत पर मैंने ध्यान उसका आमंत्रित किया है कि भाई स्मार्ट सिटी में हम लोग जो लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट हैं, इसमें आप हमें सहयोग करें, टेक्नोलॉजी का सहयोग करें, या हम सिटी आपको दे दें तो आप इसमें जो करना चाहिए, जो जैसे आपका सिटी बना है तो ऐसा सिटी हमें बनाओ, एक। दूसरा, हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा क्षेत्र देखा था, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर वे लोग काम करते हैं, 3 लाख से ज़्यादा हर साल बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं वे लोग। तो ऐसी स्थिति में वे लोग भी स्किल डेवलपमेंट के लिए इधर आना चाहते हैं, और मैंने ये बताया है कि बड़ौदा के पास स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने एक पूरी ज़मीन अलॉट की है, इसमें आप सहयोग कर सकते हैं या तो पूरा आप भी बना सकते हो, जो चाहे वो आकर करो। तीसरा एक काम मैंने कहा उसको सामने कि आपके यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी है, हम लोग सोलर पावर का काम करते हैं लेकिन नीचे जो ज़मीन रहती है उसका कोई यूज़ नहीं होता है, और वो वेस्टलैंड लैंड है फिर भी उसका यूज किस तरह कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो हम कर सकते हैं, तो मैंने वो भी कहा कि आप आइए तो जहाँ जहाँ हमारा सोलर प्लांट लगा है उसके नीचे की जो ज़मीन है इसमें आप क्या कर सकते हो, तो एक स्थान पर हम प्रोजेक्ट आपको दे देंगे, तो आप किसानों को आकर सिखाओ कि ऐसी आप वो भी कर सकते हो, नीचे आप खेती भी काम कर सकते हो। तो ऐसी 3-4 जो पॉइंट्स है उस पर हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है, वे लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा, आपके एक मंत्री अभी जिनीवा जा रहे हैं, तो खास क्या एजेंडा रहेगा उसके? जिनीवा में जो जा रहे हैं इसमें श्रम रोजगार के हमारे मंत्री हैं और वहाँ भी स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा कॉन्फ्रेंस वगैरह है, तो इसमें कोई फायदा होने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग जो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं गुजरात में, इसमें कुछ नया वहाँ कर सकते हैं और वहाँ से वो टेक्निक हम इधर ला सकते हैं, इसके लिए वे वहाँ गए हैं। जैसे आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले अगर 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो गुजरात में इंजीनियर्स की संख्या बहुत बढ़ी है, लेकिन हालांकि उतनी रोजगार की उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके लिए खास क्या किया? देखो, एक ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ, गुजरात सरकार हर साल नए इंजीनियर की भर्ती करती है और कभी कभी 500 कभी 1000 ऐसे इरिगेशन में और रोड एंड बिल्डिंग में, लेकिन इंजीनियर मिलते ही नहीं हैं क्योंकि उसको वहाँ रोज़गार मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं उसको कोई जॉब नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी सीटें हैं वो सीट में एडमिशन तो मिलता है लेकिन कभी कभी कुछ थोड़ी सी सीटें रह जाती है। इसका कारण ये है कि जिसकी ज़रूरत है ऐसे इंजीनियर हमें बनाना चाहिए और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि जिस तरह से गुजरात की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो गुजरात से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो गुजरात से है, तो आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं और गुजरात को इससे कितना बड़ा फायदा है? और भी जोड़ो, नाना मंत्री भी इधर के हैं और HRD मिनिस्टर भी गुजरात के हैं, जो 4 बड़े लोग वहाँ बैठे हैं। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि पिछले UPA सरकार में जो परेशानी हमें थी और परेशानी की वजह से पानी की लाइन तो बन जाती थी लेकिन बीच में रेलवे आती थी तो मंजूरी नहीं मिलती थी, बीच में नेशनल हाईवे आता था तो मंजूरी नहीं मिलती थी, जो बीच में कोई फॉरेस्ट आ जाता था तो इसकी मंजूरी नहीं मिलती थी, इसी वजह से हमारी कई कैनालें बन नहीं पाई, कई काम हम कर नहीं सके, इंटीरियर एरिया में हम पानी नहीं पहुंचा सके, तो ये जो परेशानी हमें थी वो परेशानी आज गायब हो गई है और मैं मानती हूँ कि आज तक 300 से ज़्यादा मंजूरियाँ गुजरात को मिल गई है, इसीलिए हम ज़्यादा अच्छे तरीके से और बहुत त्वरित गति से काम कर सके हैं। तो और अभी अभी 4 दिन पहले जो हमारा धौलेरा सिटी बनने जा रहा है इसमें भी 2,700 करोड़ रुपये की जोगवाई और अलॉटमेंट केंद्र सरकार ने कर दिया, तो एक बड़ा सिटी अलग से वहाँ बन जाएगा। तो
तो खास तौर पे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री होने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री को यहाँ पे काफी कुछ फायदा हो रहा है। आगे ये हम बात कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार गर्मियों के सीजन के अंदर जिस तरह से पानी की किल्लत एक जमाने में हुआ करती थी, क्या आयोजन किया जा रहा है। मैडम ये बताइए कि इस साल गर्मी भी ज्यादा हुई है, बारिश भी लंबी खींचने की संभावना है, मैट डिपार्टमेंट का भी ये कहना है कि बारिश लंबी खींच सकती है, तो ऐसे में पानी की किल्लत से निपटने के लिए खास क्या आयोजन किया गया है। ये बात सही है कि पिछले साल भी कम बारिश हुई और गर्मी भी ज़्यादा बढ़ रही है, हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने पहले से एक आयोजन किया था, मैनेजमेंट किया था कि इस साल बारिश कम है, इसी वजह से मई जून में काफ़ी दिक्कत हो सकती है पानी की, इसलिए पहले से ही जो टेंडर निकालना था हम लोगों ने पहले से टेंडर निकाल दिया और दिवाली के बाद तुरंत काम का आरंभ किया और सभी योजनाएं इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो आज सौराष्ट्र और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जितने 5000 गांव हैं उसको ढांकी से हम लोगों ने पानी उसको पूरा कर दिया, इसलिए कोई परेशानी सौराष्ट्र और कच्छ के विस्तार में नहीं हुई है। इसी तरह बनासकांठा और पाटण में भी नई योजना बनाई और वहां भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है, तो वहाँ पानी उसको मिल रहा है। भरूच में भी वो काम हो गया और अभी जो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में मालपुर मेघरज और जो मोड़ासा का जो पूरा पट्टा है, खास करके ट्राइबल पट्टा है, तो इसमें 150 करोड़ का प्लान करके हम लोगों ने वहाँ काम की शुरुआत की है। जहाँ हैंडपम्प चलते थे वहाँ हैंडपम्प हम लोगों ने पहले से ही एक नई एजेंसी को काम सौंप कर वो पूरा करवा दिया, नए हैंडपम्प भी बना दिए, नए बोर भी बना दिए, जो हम लोगों ने फरवरी में वो काम पूरा कर दिया था। तो पूरा मैनेजमेंट पूरे गुजरात में किया, इसी वजह से आज पूरे गुजरात में कहीं भी पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ऐसा मैं मानती हूँ। कभी कभी कोई पाइपलाइन टूटती है तो एक दिन के लिए या दो दिन के लिए कोई परेशानी होती है, लेकिन तुरंत ही वो रिपेयर कर देते हैं तो आगे काम चल सकता है। टेंडर की प्रक्रिया भी हम लोगों ने, शायद कोई गाँव ऐसा हो कि पानी न मिल सके तो टेंडर की प्रक्रिया भी जो पहले मई महीने में शुरू करते थे तो वो भी हम लोगों ने फरवरी में कर दिया, तो टेंडर की प्रक्रिया टैंकर के लिए वो काम पूरा किया है। लेकिन आज सिर्फ 150 से ज़्यादा नहीं, इतने टैंकर वो भी फक्त कच्छ में नखत्राणा और वही विस्तार में वो टैंकर चलते हैं, बाकी कोई स्थान पर टैंकर नहीं चलते हैं। अच्छा, एक साल का जो आपका कार्यकाल रहा उसमें तो ज्यादा बाधाएं नहीं आई है, लेकिन एक खास तौर पे आपके लिए जो बड़ी हर्डल आने वाली है वो आने वाले दिनों में गुजरात में मिनी विधानसभा जिस तरह का एक इलेक्शन होगा जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सभी का अक्टूबर महीने में हो रहा है, नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं है, उनका करिश्मा नहीं है, तो उस करिश्मे को आप कमी महसूस कर रही है या तो उसको कमी पूरी करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? नरेंद्र भाई का करिश्मा पूरे देश में है, तो ये करिश्मा की असर कोई कम नहीं हुई है गुजरात में। मैं तो बताती हूँ कि इससे ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि सिर्फ गुजरात में वो काम करते थे, आज देश भर में काम करते हैं, तो देश में जो काम हुए उसका बड़ा फायदा गुजरात को भी हुआ है, वो भी गुजरात की जनता जानती है। और हम लोगों ने जो पिछले 15-20 साल से जो काम करते रहे और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट पंचायतों में और नगर निगमों में और महानगरों में जो हम लोगों ने काम किया है वो जनता देखती है, इसीलिए मैं मानती हूँ कि कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हम जो पहले 2010 में जो हमारा हम लोगों ने जितनी सीटें जीती थी इससे में और बढ़ावा होगा, इसमें कोई कम नहीं होगा, क्योंकि हमारा संगठन और हमारी सरकार दोनों मिलकर काम करती है। और जहाँ भी अभी हमें खामियाँ दिखाई पड़ती हैं, कहीं हमारी कोई टीम में कुछ न कुछ हल्ला बोल जैसा होता है, कोई विचारों में मतभेद होता है, तो वहाँ भी निपटने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ कोई काम नहीं हुआ है वहाँ पहुँचकर भी हम काम कर दे रहे हैं, और हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ में बैठा है। और अभी जो संगठन पर्व का काम चल रहा है बूथ में जाने का, वो काम की जब शुरुआत होगी तब हम गाँव तक नहीं लेकिन बूथ में पहुँचने वाले हैं, तो पता चल जाएगा कि हमारी नीचे कितनी जड़ पड़ी है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। और मैं मानती हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं आएगी, हम साथ में मिलकर जनता का सहकार लेकर हम चुनाव जीतेंगे। इस बार अगर कांग्रेस का एक आरोप ये भी रहा है और ये चुनाव के अंदर कांग्रेस इसको लेके भी आगे जाने वाली है कि यूपीए सरकार की जितनी भी योजनाएं थी उसमें ग्रांट कम कर दी गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
ग्रांट कम तो नहीं हुई है, लेकिन पहले जो केंद्र में से जो केंद्र का हिस्सा राज्य को मिलता था वो 32% मिलता था, अभी 32 में से बढ़ाकर 42% दे दिया है। तो ये बढ़ा के घटा, ये तो देख लीजिए। एक दूसरा सबसे ज़्यादा फायदा राज्यों को ये हुआ कि केंद्र सरकार जो ग्रांट देती थी वो इसमें वो करती थी कि 500 करोड़ टॉयलेट में यूज़ करो, 500 करोड़ एजुकेशन में यूज़ करो, 500 करोड़ टॉयलेट में यूज़ करो, 500 करोड़ इरिगेशन में यूज़ करो। तो हर एक राज्य को जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग होती है। मान लो कि एजुकेशन में सिलेबस के लिए पाठ्य पुस्तक को आपको पैसा देना है, लेकिन गुजरात ने तो पहले से इसमें काम कर दिया है, इसमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यूज ही नहीं कर सकते थे वो पैसे का। तो नरेंद्र भाई ने ये कर दिया कि भाई मैं आपको इतने पैसे दे देती हूँ और ये पैसे का उपयोग कहाँ करना है वो स्टेट गवर्नमेंट तय करे। वे लोग क्या करते थे कि पहली योजना नई शुरू होती थी तब वो बताते थे 50% केंद्र का, 50% राज्य सरकार का, फिर एक साल के बाद 60-40 हो जाता था, फिर एक साल के बाद 75-25 हो जाता था। तो 25 केंद्र सरकार का, 75 गुजरात सरकार का, तो गुजरात सरकार का जो बजट था वो इतना इधर उधर हो जाता था और हम न काम उसका कर सकते थे न हमारा काम कर सकते थे, हमारी योजनाओं को भी इसमें डैमेज होती थी। तीसरा क्या होता था, एज फॉर एग्जाम्पल JNUY, तो इसमें ग्रांट देते थे 50%, 50%। होता था क्या, वो बजट हो जाए, DPR बन जाए और टेंडर हो, तब मान लो कि एक ब्रिज का काम होता था तो इसमें 50 करोड़ का ब्रिज है तो इसमें 25 करोड़ केंद्र का, 25 करोड़ राज्य सरकार का, लेकिन जब वो पूरा हो जाता था तो 70 करोड़ रुपया उसका खर्च होता था, तो इसमें तो 25 करोड़ ही केंद्र सरकार देती थी, बाकी का खर्च राज्य सरकार को भुगतना पड़ता था। तो वो जो स्थिति पूरे देश में बनती थी वो स्थिति को नरेंद्र भाई ने दूर कर दिया, तो अब राज्य सरकार स्वतंत्र है, केंद्र सरकार की योजना हमारे पर थोप नहीं दी जाती है, हम अपनी योजनाएं बनाते हैं और उसका जो हम लोगों ने क्या काम किया है कितना किया है उसका सिर्फ वो हवाल वही हमें केंद्र में भेजना पड़ता है। तो ये थे आनंदीबेन पटेल और उनका ये साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री यहाँ के गुजरात के होने के कारण और इनोवेटिव तरीके से ग्रांट देने के कारण वो काफी कुछ यहाँ पे विकास के काम कर सकते हैं। धन्यवाद, चलिए।